आज हम लोग क्लास टेंथ एनसीईआरटी का ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन फिफ्थ का नाइन्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं, कोसेक और साइन टर्म है और सेक और कोस टर्म है। हमें क्या पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कि सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec, मीन्स सेक और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। दूसरा क्या, साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/cosec ए, मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। कोसेक ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin a माइनस साइन को रहने दो, साइन ए नीचे 1 लिख दिए। सेक की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/cos, 1/cos a माइनस ये क्या है, cos a, इसके नीचे 1 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए साइन से डिवाइड हुआ, ये क्या आ गया, 1 माइनस 1 से इसको डिवाइड किया साइन, और साइन मल्टीप्लाई साइन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस साइड भी कोस ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए, इससे ये डिवाइड हुआ बचा क्या, 1 माइनस 1 से ये डिवाइड हुआ कोस, और कोस से ये मल्टीप्लाई हुआ क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। मुझे अब क्या फॉर्मूला पता है कि 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। इस 1 के जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इस 1 के जगह पे हम लोग लिख देते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे क्या है, साइन ए। इस 1 के जगह पे भी ये फॉर्मूला फिर से लिख सकते हैं, लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, कोस ए। अब क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए कट हो जाएगा, आगे प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए ये भी कट आउट हो गया, बच क्या गया, कोस स्क्वायर ए, और इस साइड क्या बचा, साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है, साइन ए, और ये क्या है, कोस ए। ऊपर में कोस स्क्वायर ए है, नीचे कोस ए है, ये सिंगल ये डबल से कट गया, साइन ए यहाँ पे स्क्वायर है ये कट, रेस्ट क्या बच गया, साइन ए इंटू कोस ए। ये आगे अभी जाना क्या था, 1/tan a, ये छोटे पार्ट से इसे नहीं ला सकते, अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से फिर ये पार्ट ले आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, tan a प्लस cot a, हम लोग ये पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्या लाए, साइन और कोस, कहीं ना कहीं इसे भी हम लोग साइन और कोस के टर्म में लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला क्या पता है, tan a इक्वल टू क्या होता है, साइन a अपॉन कोस a, और cot a इक्वल टू क्या होता है, cos a अपॉन साइन a, कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे हम लोग साइन अपॉन कोस और कोस अपॉन साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, 1/tan a, tan a के पोजीशन में क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कोस ए प्लस कोट ए के जगह पे क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए। अब क्या होगा, एलसीएम लीजिए, 1/ इसका इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस ए साइन ए, ठीक है। अब ये क्या, कोस से कोस डिवाइड बचा साइन, साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन डिवाइड बचा क्या, कोस, कोस इंटू कोस क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए, 1/ अब ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन नीचे क्या बचा, कोस ए साइन ए, ये सबसे लास्ट पोजिशन वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू कोस ए इंटू साइन ए क्या बन गया, साइन ए इंटू कोस ए। राइट हैंड साइड भी क्या गया, साइन ए इंटू कोस ए, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, साइन ए इंटू कोस ए, ये प्रूफ हो गए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।